आज दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के मुड़िया पंचायत में समाज सेवी जतिंदर कुमार राजक जी के एवं रंजीत सहनी जी के अध्यक्षता में मुड़िया एवं अदलपुर पंचायत के स्थानीय निवासी ने जल जमाव नाले जर्जर सड़क सुरक्षा चिकित्सक में हो रही अनदेखी के खिलाफ आक्रोशित जनताओं ने वर्तमान विधायक एवं सांसद के विरोध में प्रदर्शन कर कुख्यात मंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। मौके पर मौजूद जनताओं ने विधायक एवं सांसद के प्रति जमकर भड़ास निकाले। उन्होंने कहा, मुड़िया पंचायत के यह पूर्वी बाजार 10 पंचायत समेत सैकड़ों गांव को जोड़ती है। इस इलाके का सड़क का हाल ऐसा बनाकर विधायक जी रख दिए हैं, हल्का बूंदाबांदी बारिश हो जाती है कि जनताओं को नाव के सहारे आर पार करने की नौबत आ जाती है। हमारी मुड़िया पंचायत के जनप्रतिनिधि विधायक से पूछना चाहते हैं कि आप 20 वर्ष से प्रतिनिधि हैं, आप मुड़िया पंचायत को क्या दिए, इसका जवाब दीजिए। एकमात्र पीएससी केंद्र तथा पंचायत में उसको भी जर्जर बना के आप रख दिए हैं। आखिर कब तक इन समस्याओं से पंचायत की जनता जूझती रहेगी, इसका जवाब दें। जनप्रतिनिधि विधायक एवं सांसद अगर इसका जवाब नहीं मिलता, इसका निदान नहीं होता है, तो हम लोग बहुत जल्द विधायक एवं सांसद का आवास घेरने का काम करेंगे। विधायक को थोड़ा भी शर्म नहीं आता है कि चुनाव के बाद जनता के बीच जाकर पता करें कि उनकी क्या स्थिति है, किस हालात में है। कब तक पंचायत की जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे, सिर्फ बरसाती मेंढक की तरह चुनाव के समय नजर आते हैं और फिर 5 साल के लिए विलुप्त हो जाते हैं। कार्यक्रम में निम्नलिखित लोगों ने बढ़ चढ़ कर हमला बोला। सीताराम यादव, कमरे आलम, धीरज सहनी, परवीन, रंजीत सहनी, सुमित जी, सोनू शाह, राहुल नायक, बंटी नायक आदि गया है। एक दिन झलक दिखाने भी नहीं आया कि जनता कैसा है, कैसे है, डूब गया है, जिंदा है, मर गया, क्या है। सिर्फ वोट लेने के टाइम में गाड़ी से घूमने आता है, घूम के चला गया। आज तक दोबारा कभी झलक दिखाने नहीं आया। ये क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र तो यहाँ से ये जो मुख्य सड़क है जी, ये एक तरह से मुख्य सड़क है, पुरानी सक्री रोड सड़क है जी। इन्हें से जाम हो जाता है तो इसी से लोग फिर आना जाना करते हैं। आप लोगों ने कभी, जब 2 वर्षों से सांसद जी ने, तो कभी आप लोगों ने कोशिश किया उनसे मिलने का? बहुत बार कोशिश किया, कभी मिलना चाहते ही नहीं है। अच्छा, विधायक जो भी आए बार बार मिलने करते हैं, आज बन जाएंगे, कल बन जाएगा, बारिश का बहाना रहता है, लेकिन विधायक जी आते घूमते कल बन जाएगा, परसों बन जाएगा, से बन ही रहा है, आज तक बना ही नहीं है, ना बनेगा कब। जब तक ये नीतीश कुमार की सरकार रहेगी और हमारे माननीय गोपाल जी ठाकुर सांसद जो चोर सांसद है वो, और विधायक जी जो चोर है वो, जब तक ये सब रहेंगे कभी कुछ यहाँ मुड़िया का भला नहीं होने वाला, ना ये रोड बनने वाला है। अगर अभी जिस तरीके से आप लोगों ने पुतला दहन किया है, अगर आपकी बातें उनके कानों तक नहीं जाती है, तो अब आप लोग क्या करेंगे? अगर यहाँ हम लोग की बात को नहीं रखा गया, आप नहीं माना गया, नहीं बना रोड, तो हम लोग हाईवे क्या आप लोग कुछ समय दे रहे हैं? कितने दिनों के अंदर गोपाल जी ठाकुर से या विधायक जी से, ललित यादव से मिलिएगा? अगर उतने दिनों में काम नहीं करेंगे तो 15 दिन के हम मिलेंगे, 15 दिन के अंदर अगर नहीं होगा तो हाईवे जाम करेंगे हम लोग पूरा जनता मिल के, दरभंगा ग्रामीण का। इतना गुस्सा सांसद और विधायक के लिए क्या कारण है? लगातार जो है सो 15 बरस से जो है सो यहाँ विधायक जी जो है सो जीत रहे हैं, माननीय ललित यादव जी। आज तक जो है सो यहाँ पे सड़क का जो है सो हाल आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग यहाँ का जो है सो चरमराया हुआ है। कम से कम जो है सो 10 पंचायत का आबादी यहाँ पे जो है सो आता है, बाजार है, मुड़िया बाजार के नाम से बहुत फेमस है ये। और यहाँ पे जो है सो हम लोग हमेशा जो है सो मांग करते हैं उनसे, जब भी क्षेत्र में आते हैं तो नाला के लिए, सड़क के लिए। अभी जो है सो कल जो है सो एक बच्चा जो है सो गिर गया, उसका हाथ जो है सो टूट गया। आए दिन जो है सो सड़क पे जो है सो मोटरसाइकिल वाले गिरते रहते हैं, उसके आक्रोश में जो है सो यहाँ का जनता जो है सो पूरा आक्रोशित है कि इस बार जो है सो अगर रोड का निर्माण जो है सो नहीं जो है सो हुआ तो हम लोग बृहद पैमाना पर रोड सड़क हाईवे को जो है सो जाम करने का काम करेंगे। क्या इसके लेके कल जो हादसा हुआ उसको विधायक जी या सांसद जी को कॉल करके बात की है? एकदम स्थानीय आदमी जो है, आज नहीं, ये लगातार से होते आ रहा है घटना। आप देख रहे हैं 15 साल का विकास आपके सामने में दिख रहा है। हमारे विधायक जी कटिहार और छठिहार के बोझ खाने से उनको फुर्सत मिलता नहीं है और जनता को इस चीज से कुछ लेना देना भी नहीं है। वो कटिहार में आए चाहे छठिहार में आए, उससे कुछ लेना देना नहीं है। जनता को चाहिए विकास, और आप विकास आप देख सकते हैं। अभी बारिश स्टार्ट भी नहीं हुआ और यहाँ पे नाव लगाने की नौबत है। अभी बारिश अभी जीत के गए, सांसद का 2.5 साल का कार्यकाल है, एक बार भी नहीं आए। उनके ससुराल में हर 2 वर्षों पर
रोड रिन्यू कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ जनता, यहाँ का जनता बेवकूफ है, इसके कारण यहाँ पे कुछ नहीं किया जाता है। गोपाल जी ठाकुर के ससुराल वाला क्षेत्र है, वहाँ पे हर दो साल में रोड नया बनता है। कहाँ है उनका क्षेत्र? नेहरा की तरफ है वो, छोटा, हर दो साल में रोड नया हो जाता है। आप देखिएगा बिल्कुल नया लगेगा। विधायक जी कटिहार और सटिहार करने के लिए? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, गिने चुने व्यक्ति के घर पे आते हैं और रोड पे इकट्ठा करके चले जाते हैं। मौसमी विधायक बन गए हो, एक मौसम पे आते हैं, एक मौसम पे आते हैं।